नमस्कार सभी किसान भाइयों को, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पंखीजा डेयरी फार्म जो कि आष्टा सीहोर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि मिल्किंग मशीन से दूध कैसे निकाला जाता है। ये हमारे फ्रेंड है जो कि अभी जितने अलग है ना मशीन से दूध निकालेंगे, तो ये इनसे पूरी जानकारी भी लेंगे। ये मशीन का जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो कनेक्शन है वो ये, इसकी लाइन डली हुई है देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर यहाँ से इसको बकेट में कनेक्ट कर दिया गया है और इसका कंप्रेशर जो है वो एक तरफ अलग रखा हुआ, उधर से इधर लाइन सभी उस पर खंभे पर लाइन डली हुई है। अच्छा, तो इसका प्रोसेस कैसा है, इसका मतलब कैसे निकलता पूरा? पहले सबसे पहले पाना छुड़वा लिया है ना, बच्चा हो तो बच्चा छोड़ के, ठीक है वो पाना छुड़वा लो, बंद होके लगा लो, जिसका बच्चा नहीं है उसको तो। अच्छा, इसके इसमें सिस्टम कैसे चलता है ये मेरे को ये तो बताओ आप, इसका सिस्टम कैसे है ये यूज करने का? ये नोजल है तो लगा दिया अपन ने इसमें, ठीक है, लेकिन इसका जो काम करता स्विच वगैरह ये क्या क्या दे रखा है, इसका फंक्शन क्या है सर? ये वाल्व दे रखा है, ये वाल्व है, इस वाल्व को चालू करते हैं, हाँ, इसको लाइनर को नीचे करके और मशीन ऑटोमेटिक खींच लेती है। अच्छा, लाइनर नीचे करना पड़ता है? लाइनर को हल्का सा ही मोल्डिंग करना पड़ता है। अच्छा, उससे निकले नहीं है बाहर, पकड़ कर लेता है। और ये जो स्विच है बता रहे थे आप, ये क्या काम का स्विच? ये स्विच बंद चालू करने का, दूध बंद चालू करने का, दूध तो फुल कर दिया, तो एक ही स्विच से चारों नोजल बंद होती है। ये देखो इसमें मीटिंग दूध आ रही है, चारों लाइन। और ये जो लाल वाली दे रखी है क्या की नोजल है? ये अच्छी है, ये वैक्यूम पाइप है। अच्छा, और वो जो उधर लीवर आपके हाथ में अंगूठे में वो क्या तो पकड़ने का? अच्छा, पकड़ने का खाली, जानवर वाला हेड वाले उसको पकड़ के अपन इधर उधर कर सकते हैं। और ये जो बकेट है ये कितने लीटर का आपका है? 21 लीटर का। और ये जो लाइन है इसके अंदर, ये लाइन का सिस्टम फंक्शन कैसे चलता है? पाइपलाइन सेटर है, हाँ, तो पाइपलाइन सेटर में हर जगह वाल्व लगा है, जहाँ आपको चालू करना है वाल्व चालू करो, आपका चालू हो जाएगा। अच्छा, एक मिनट में इधर आके बताता हूँ ना प्रॉपर तरीके। ये वॉल लगा रखी है, सब दूर लाइन डली हुई है ना, ये पाइपलाइन सेटर। तो ये जिन जो मशीन देने आते हैं वही लगा के जाते हैं क्या ये? अच्छा, जहाँ जहाँ आपने को कनेक्शन, कितने की पड़ी थी ये मशीन आपको? 70,000 रुपए की डबल बकेट मशीन है। 70,000 की डबल बकेट में? हाँ, डबल बकेट में, बकेट अपन ने एक ही लिया है। अच्छा, बकेट एक ही लिया है, इसमें डबल बकेट अपन लगा सकते हैं ना, तो उसको लगाना हो जैसे एक और बकेट तो कैसा क्या फंक्शन? पाइप चाहिए, बकेट चाहिए, दूसरे वाल में लगाओ, मशीन चालू आपकी। अच्छा, तो ये इसके अंदर कैसे फिटिंग होगा? जैसे एक ये तो एक हो गया, अलग ही आएगा सिस्टम पूरा, ये पूरा सिस्टम अलग आएगा। अच्छा, पूरी डबल बकेट के हिसाब से अलग ही आएगी वो। और कितने कितनी देर में कितना दूध निकल जाता है इससे? 3 से 4 मिनट में 8 लीटर दूध निकल जाता है। 8 लीटर दूध 3 से 4 मिनट में निकल जाता है गाय का। भैंस का कितना? भैंस का 5 लीटर 6 लीटर दूध निकल जाता है। 5 मिनट में 6 लीटर दूध। अच्छा, कौन सी कंपनी की मशीन अपनी है? कंपनी का चलो एक बार देख लेना आपके डॉक्यूमेंट में कौन सी कंपनी की क्या है। इससे दूध तो नहीं रहता आखिरी में फिर बिल्कुल भी? जिसका बच्चा है, हाँ, बच्चे के लिए दूध छोड़ दिया, अपन दूध निकालना चाहो तो बाद में, हाँ हाँ, थोड़ी देर मशीन लगेगी अंदर, हाँ, जैसे वो वाली जो गाय का अभी अपन ने दूध निकाला, हाँ, उसका दूध अभी उसके अंदर भरा है क्या कुछ? नहीं, उसके अडर में पूरा खाली दूध खाली हो गया, हाँ, मतलब छोड़ती नहीं है दूध बिल्कुल भी, बच्चे के लिए दूध छोड़ती है वो। इसका प्रोसेस अब मेरे को बताना कैसे लगा तो आप, है ना, चारों लाइनर को कैसे? अच्छा, ये चारों लाइनर नीचे हैं अभी, ठीक है, इसका हल्का सा वाल्व चालू करो चाहो तो, हाँ, चाहो तो पूरा भी कर सकते, हाँ, ठीक है, हल्का सा वाल्व चालू करके, ठीक है, मोल्ड करके धीरे से
अच्छा इसके अंदर एक हाँ फुल चालू कर दिया तो मिल्किंग चालू हो गई। जैसे चालू है हाँ फुल मिल्किंग चालू हो जाएगी। अच्छा फुल मिल्किंग चालू है इसमें एक फंक्शन और वो जो अपना जैसे दूध निकालने के बाद में इनके थनों पे वो लगाते हैं अपन दवा वो नहीं लगाते हैं लाल दवा जो बोलते हैं अपन ये लगाते हैं क्यों ओरिजिनल होना चाहिए इसका लाइनर ये नीचे वाले जो लाइनर है पूरा लाइनर ये जो है ये अच्छा तो ये जो लाइनर है काई की कौन सी चीज के बने हुए सिलिकॉन के हैं सिलिकॉन का बना है अच्छा सिलिकॉन का बना हुआ है तो इसमें भी क्वालिटी चलती होगी ना क्वालिटी तो देख सकते हैं किसान भाई आप ये जो लाइनर है ये अच्छी क्वालिटी का होना जरूरी है ताकि किसी प्रकार की थनों में कोई दिक्कत नहीं आए मेस्टाइटिस वगैरह किसी प्रकार का कोई थनेला रोग नहीं हो इसलिए लाइनर अच्छे होना बहुत जरूरी है जैसा कि हमारे जो भाई हैं वो बता रहे हैं और ये मिल्किंग जो हो रही है बिल्कुल आपकी आंखों के सामने प्रॉपर वे में कैसे कर रही है देखिए इसमें कोई हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं कुछ भी नहीं बस बैठे हैं ये थन अब तो छोड़ भी दिया इन्होंने। अच्छा भाई साहब इसमें क्या भैंस की मिल्किंग भी इजीली हो जाती है अच्छा तो ये अपने को ये कितने की पड़ी थी जैसे आप 70,000 में डबल बकेट मिल जाती है तो ये अपन ने सिंगल बकेट कितने में खरीदी थी सिंगल बकेट मशीन कम्प्लीट 70,000 रुपए की बड़ी जब डबल बकेट लेना है असेंबली बकेट लेना पड़ता है अच्छा तो उसका पैसा अलग से अच्छा तो आप यार इसका कंपनी का नाम मेरे को पता करके बताना तो मैं उससे कितने साल हो गए इसको ऐसे चलाते चलाते आपको दो साल से कंटिन्यू चल रही है अभी तक इसमें कोई दिक्कत आई सर्विसिंग वगैरह से रिलेटेड कोई काम कोई नहीं आयल का ध्यान रखना पड़ता है वैक्यूम पंप का अच्छा वैक्यूम का आयल का ध्यान रखना पड़ता है बराबर आयल गैस को बराबर आयल लेना चाहिए अच्छा तो इसकी और मान लो किसी थन में कम दूध हो या ज्यादा दूध हो या एक थन मान लो काम नहीं करता हो तो उसको कैसे लगाएंगे फिर अपन ये बंद ही रहेगा एक जो निकाल दिया आपने तो चालू हो जाएगा वापस अच्छा हाँ मतलब एयर का फंडा है वो वहां से एयर ब्लॉक हो गई उसका मुड़ गया तो है ना ये मोटर लगी हुई है कितने क्या एचपी की क्या है ये 3 HP की अच्छा कौन सा टैंक है वैक्यूम टैंक है ठीक है अच्छा ये वैक्यूम बना के पूरी सप्लाई हो गई है ना लाइन उसमें अच्छा और मान लो जैसे